जलो रेडियम व सायला एसडीएम की समझाइश के बाद दूसरे दिन उठाया चंदाराम भील का शव। सायला थाना क्षेत्र के सुरणा गांव के पास बुधवार देर रात एक वाहन की टक्कर से बागुड़ा के नांदिया निवासी चंदाराम की मौत के मामले में जालोर एडीएम व सायला एसडीएम की समझाइश के बाद परिजनों ने दूसरे दिन शुक्रवार को शव उठाया। जानकारी के अनुसार बागुड़ा थाना क्षेत्र के नांदिया निवासी चंदाराम उम्र 30 साल पुत्र बाबूलाल भील की सुरणा के पास वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई थी। सूचना पर सुरणा चौकी प्रभारी ने शव को कब्जे में लेकर सायला के मोर्चरी में रखवाया था और परिजनों की रिपोर्ट के बाद गुरुवार दोपहर बाद पोस्टमार्टम भी करवाया था। परिजनों ने बाइक की टक्कर से हादसे से हुई मौत की रिपोर्ट भी दी थी, मगर उसके बाद हादसे की जगह से कुछ दूरी पर खून के धब्बे मिलने के बाद परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया व उचित कार्रवाई की मांग कर न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में समाज बंधुओं सहित 37 कौम के लोग एकत्र हो गए। सायला थानाधिकारी रामेश्वर भाटी ने कई बार वार्ता की मगर वार्ता विफल रही। उसके बाद जालोर एडीएम शिवशरण मीणा, सायला एसडीएम तारासन वेंकट, सायला तहसीलदार हीर सिंह चारण व थानाधिकारी रामेश्वर भाटी ने समझाइश की व मामले में जांच बदलने, कॉल डिटेल की जानकारी बताने व उचित जांच कर मुआवजा दिलवाने के आश्वासन पर परिजनों ने शव उठाने को तैयार हो गए व शव को उठाया। इस दौरान ताराराम महीना, हिंगलाज दान चारण, गणपत दान सारण, गोकुलराम मोखनी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। लेकिन कथे न कथे थोड़ा बहुत कोई मामलों एड़ो वे भी है जके ने वहाँ पे क्लियर नहीं कर सके। आज पूरे परिवार लोगों ने वहाँ पे हैंगे रूबरू पूछो क्योंकि मोने मोहरी दृष्टि में कोई एड़ो आदमी नहीं है जके मेरे को नाम है को कर मदद करो। ठीक है, अंदरूनी वे करी वेला तो पर्सनल वो जान तो रही लेकिन मोने ध्यान नहीं, हमें मोने ऑलरेडी पहले हूँ ध्यान को नहीं क्योंकि ये उठ बैठ कह रहे साथ थी या दुश्मनी कह रहे साथ थी, तो न तो कोई वहाँ पे डायरेक्ट आरोप लगा सको न कोई ए लगा सको। तो हमें जब की बात उठी कई दिन सरपंच साहब आपने तो बताई है कुएर में एक बात बड़े प्लस है कि आज जोश जकी है आज जोश जारी रहे। हमें देखो अपने देखो केस में देखो सहायता मिले सरकारी तरफ से बस सहायता मिले उगेर साथ साथ वहाँ पे जो भी की हुए तो उगेर क्लेम भी वहाँ पे लगा सको। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पे तय चेंज करे और जो चेंज करा वो उगेर सामने कोई अगर कहीं तरीके का कोई तथ्य आया और अगर वो मामलो हुआ तो वे क्यों है कि मैं 100% पूरी तरह कोशिश करे और वे केस ने अपने वे मतलब जो गुनहगार हुए बक्सों लगनी। अगर वहाँ पे आप बात करें ऐसा मो कि नहीं सर मोने तो हमेरा हमें चाहिए तो और देखो ना तो घर को दे है ना मोर को दे है ना पसंद मोर को और एक दूसरों विषय पहली जो कि वह करें वह एफएसएल में भी वहाँ पर इतनी जल्दी टीम हूँ मैं को एड़ा जानो के सॉल्व कराया देखे या दूर लड़े हूँ पहली बार है जैसे मैं एफएसएल टीम सीधी मौके में आएगी वरना वो ना कहीं को ना आवे एक आदमी सैंपल लेने जाए पसे वह 6 महीनों 12 महीनों की तक कई लोग रगड़ता ही बरसों तक वो चलते रहे लेकिन फिर भी इतनी तत्परता दिखाते हुए की होता कि वहाँ पर डाइट दूर हुए। हमें बात आई है वहाँ पर कोई एकमात्र आधार जो है कैमरा वालों ने एक और ये सीडीआर तो सीडीआर तो आई रही है मैंने बोला यार मेरे जा रहा ठीक है जो कि कानून के नंबर और साथ में बातचीत हुई है वो चीज़ मैंने जानकारी में प्रिया आवे तो वे वहाँ पर थोड़ा सा पता लगा सको कि भाई ये बात हुए टाइम मत कह कर साथ हुई है तो वे रस्तों भी घरे जावारो नहीं है तो कठिन आयो कठो आयो थोड़ो ये माते अपन फैला तो जांच में थोर कोई कमी आवेला को नहीं जांच रो खुले ने कह दियो कि अगर मान लीजिए काले तक आज 2 दिन और मैं थोने अगर वे ही ऐसा पहली बार हर जगह वे कोई ये मतलब और नहीं कि रामेश्वर जी कोई अंगे हैंग गलत चीज करे लेकिन थोड़ो अपन एक डाउट हुआ तो आप चेंज करा सको तो वे भी बात होगी है तो आप लोगों ने थोड़ा सा धैर्य रखे 15-20 मिनट आप रुकना है मैं जयप्रांत सीडीआर जो को देखे ना हमारा चेक करना हमारा थोड़ा सा बात रख दो भाई ये तरीके कॉल देखो नंबर बोले कह रहा है वो बाद मामलों के नंबर तो टैली करे ये नंबर कह रहे नाम की सिम जा रही है कह रहे नाम की जा रही है वो तो बाद ही बात है लेकिन वो ठापरों पड़े कि ये आदमी साथ में 10 बजे हो रहे या 9 बजे हो रहे बाद में कितना कॉल आया है कितने कॉलों की बात हुई तो वे थी भी वहाँ काफ़ी हद तक वे में बहुत कुछ क्लियर हो जाए इन पसे तो यहीं और कौन है जो वे रात भर में या 2 दिन और में पूरी डिटेल निकाल दे के करा करा नंबर है कथे करे मतलब जांच जारी वेला कई लोगों ने यूँ लाग दो भाई हमें एक्सीडेंट वालों करे पर कर दे तो जांच बंद हो जाए जांच तो जारी वेला एक्सीडेंट वाली भी जांच हो जाए करे तो ये चीज है ईयर में आप लोगों ने थोड़ी शांति बनाने रखनी मैं 15-20 मिनट पासा आवा दूसरे नंबर माथे मारो हाथ जोड़ने का निवेदन है मोरे बापूड़ा रोज रुकवाम पड़े ठीक है नहीं मैं बारे ही क्यों तो कह परिवार में घटना वे नहीं तो जिंदगी में एक आधी बार वे लेकिन प्रशासन वालों रहे मोहरे जो सामाजिक कार्यकर्ता और घर में रोज मरे क्योंकि जो कोई है वो मोहरो है वो मोहरो परिवार रो है
आज देखो ए भाई यही हमारे परिवार रो तो ठीक है, हम इसको परिवार मानते हैं हमारा हुआ तो मोहरे तो रोज री घटना वे इन वास्ते आप लोगों ने कई तरीके री अफवाह थी, कई तरीके रा सगुफा छोड़ने वाले लोगों थी वो थी थोने थोड़ा मेहरबानी करें सावधान रहना पड़े ठीक है नी। कई तरीके रा जितना मनक है नी वो हैंगोरे चेहरा अलग अलग है, हैंगोरे सोच भी अलग अलग है। चेहरो कह रो आपस में नहीं मिले तो सोच भी कह रही आपस में बहुत ही कम मिला करे। इन वास्ते कई लोगों ने तो की है कि भड़काए में ही फायदू क्यों अपने काम चार दिन मास नाराज लगाओ। कई लोगों ने कई तरीके दिए मोने हैंग धोने मोरे जीव में है पर काटो कटे है मोरे समाज रहा ठीक है नी। करो धके आवे तो मुंडे मास दो सौ पर धरो पर वो बदली तो मोरे है नहीं। तो इन तरीके एड़ो कदी भी मामलो वे परो नहीं तो थोड़ो धैर्य बनाए रखनो, थोड़ो समझदार लोगों माते रखनो। इयो नहीं कि हरेक जगह ऊपर बस आप हिसाब भी कर दो वो मामला हमेशा बिगड़े करे। तो मैं पास आवा जरा आप लोग धैर्य रखोला जो भी बात वेला वो आपरे सामने पास ही आवे बात रखो ना मैं बाद में अपने बॉडी जो सिस्टम थी जो करना है वो निवारण वो भी वेला और आगे री कार्रवाई री मैं थोड़े हमेशा भेला हूँ जिते भी वेला भी अफसरों की बात की अफसरों ने बोंद दिया बिल्कुल बात में और बोंद वार कौन को पड़े उनके खुद ही इन तरीके की बात कह दी कि वह खुद ही बंद गया ठीक है नहीं क्योंकि हैंग अपना ही है कोई बीजा को नहीं। ये वास्ते आप लोगों की अतरी विनती है कि आप बात जो हुई है देखिए मैं थोड़े सामने रखी है। ये परिवार ने जो कुछ भी हुआ देखो काले अगर खुल भी जाए खुले हो तो अगर पापी है हुए ना हत्या आरोप भी लागे लान हुए ना फांसी भी हुए कहीं भी हो जाए या सजा भी दे लेकिन आज जरूर थे ये परिवार ने सहायता की। आज हुए बच्चों ने हुए परिवार ने और वो हके हुए रो कोई वो भी नहीं है कोई वहां ऐसा ने जो हमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे नहीं तो मोटरसाइकिल को रुपया ले गाड़ी रुपया ले हर साल तो ले है तो वे रुपया दे कोई ऐसा नहीं करे लेकिन बच्चों को तो एक सहारो बने वो तो करो वे